हेलो फ्रेंड्स, महर्षि आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सर्दी के मौसम में पैरों में रुकापन आना और एड़ियों के फटने की समस्या बेहद ही आम बात है और इस मौसम में हर कोई इस समस्या से परेशान रहता है। कई बार तो एड़ियां इस कदर फट जाती हैं कि इसमें से खून तक निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपको पैरों से जुड़ी ये समस्या सर्दी के मौसम में होती है तो आप हमारे बताए गए नुस्खों को आजमाएं। इस नुस्खों की मदद से फटी एड़ियां एकदम सही हो जाएंगी और मुलायम बन जाएगी। सबसे पहले है तेल की मालिश करें। एड़ियां फट जाने पर इनकी मालिश नारियल के तेल से करें। पैरों पर गर्म नारियल का तेल लगाने से ये मुलायम बन जाएंगे और इनका रुखापन दूर हो जाएगा। इसके साथ ही फटी एड़ियां भी सही हो जाएंगी। आप नहाने के बाद अपने पैरों को अच्छे से सुखा लें, फिर इन पर नारियल का तेल मल लें। इस तेल को अच्छे से सूखने दें। दूसरा है पेट्रोलियम जेली। अगर आपके पैर बेहद ही सूखे हैं और एड़ियां बुरी तरीके से फटी हुई हैं तो आप इन पर पेट्रोलियम जेली लगा लें। रात को सोने से पहले इन पर पेट्रोलियम जेली अच्छे से लगाएं और फिर मोजा पहन लें। इन नुस्खों को आप रोज़ करें। महज एक हफ्ते के अंदर ही आपकी एड़ियां सही हो जाएंगी। वही सुबह नहाने के बाद भी आप अपने पैरों पर पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं। तीसरा है हल्दी। फटी एड़ियों से खून बहने पर पानी को गर्म कर लें और इस पानी के अंदर हल्दी और नारियल का तेल डाल दें। इस पानी में अपने पैरों को 10 मिनट तक रखें। ऐसा करने से खून निकलना बंद हो जाएगा और पैर नरम हो जाएंगे। दरअसल हल्दी में एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो कि एड़ियों को सही करने का कार्य करते हैं। वहीं आप चाहें तो हल्दी के पानी में पैरों को रखने की जगह हल्दी का लेप भी इन पर लगा सकते हैं। पैरों पर हल्दी का लेप लगाने के लिए हल्दी के अंदर नारियल का तेल मिला दें और इस लेप को पैरों पर लगा लें। इसे अच्छे से सूखने दें और सूखने के बाद गुनगुने पानी की मदद से इसे साफ कर लें। तीसरा है शहद लगाएं। अक्सर नहाने के बाद पैर एकदम रूखे हो जाते हैं, इसीलिए नहाने के बाद अपने पैरों पे आप शहद लगा सकते हैं। शहद को पैरों में लगाने से पैर की नमी बरकरार रहेगी। आधे कप पानी में एक चम्मच शहद डाल दें और इस पानी से पैरों को धो लें। आपके पैर एकदम मुलायम हो जाएंगे। आप चाहें तो शहद को अपने शरीर पर भी लगा सकते हैं। हमारे बताए गए नुस्खों को आप सर्दियों के दौरान ज़रूर अपनाएं। इनकी मदद से पैर मुलायम बने रहेंगे और फटी हुई एड़ियां जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। वही अधिक एड़ियां फटने पर और उसमें खून आने पर आप डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, आज हमने बताया कि फटी एड़ियों को आप मुलायम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल और ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।